श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति श्रीफल न्यूज। दूसरों को सम्मान दिए बिना नहीं मिल सकता खुद को सम्मान। आचार्य श्री पुष्पलंद सागर जी महाराज। अहम को मारा तेर गए, अहम को माना मर गए। अहंकार क्या है? मैं, ये जो मैं है, इतना भयंकर राक्षस है कि जिसके पीछे पड़ जाए अमर बेल की तरह पूरी तरह निचोड़ लेता है, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। अहंकार की कोई सीमा नहीं है। अहम को संभालने पुचकारने वाला नादान है, इतना भी नहीं सोचता कि किस बात पर इतना अहंकार कर रहा है। ये बात रविवार को दस लक्षण पर्व के दूसरे दिन कर्नाटका जैन भवन में आचार्य श्री पुष्पलंद सागर जी महाराज ने उत्तम मार्दव धर्म पर बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञान का अहंकार करता है तो तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, अगर पद का अहंकार करता है तो राष्ट्रपति से बड़ा पद नहीं है, यदि सुंदरता का मान करते हो तो जगत में तुमसे भी ज्यादा सुंदर लोग हैं, धन का अहंकार करता है तो तीर्थंकर से ज्यादा वैभव अन्य किसी के पास नहीं है, किस बात का अहंकार करता है? आचार्य श्री ने कहा कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, पद भी तेरे हाथ में नहीं है, जनता कभी भी पद से उतार सकती है, यदि ताकत का मान है तो जरा से बुखार से दम निकाल देगा। उन्होंने कहा कि दिया सलाई स्वयं बिना दूसरों को जला नहीं सकती, वैसे ही मन स्वयं भी अहम जले दूसरों को जला नहीं सकता। मन की मांग है ना कि मुझे सम्मान चाहिए, मन की इस मांग में इतना परिवर्तन करो कि दूसरों को सम्मान दिए बिना सम्मान नहीं मिल सकता। पहले दूसरों को सम्मान दो। अहंकार पानी पर तेल के भांति है, पानी में रहकर भी अपना अस्तित्व अलग दिखलाता है, कागज की नाव की भांति कुछ पल तैरता और डूब जाता है। ये धर्म का सार है। इस धरती पर खेली गई लाखों करोड़ों के खून की होली के युद्धों में सम्मान लालसा अहंकार के विजय होकर हीरो बनने का रोल अदा किया है। अहंकार को सलामत रखने के लिए युद्ध किए गए हैं, मृत्यु अभिमानियों की हुई। दुर्योधन को मरना स्वीकार था, एक इंच जमीन देना स्वीकार नहीं था, रावण को सीता लौटाना स्वीकार नहीं था, लंका दहन परिवार स्वयं का मरण स्वीकार है, चीन और पाकिस्तान को सीमा से हटना स्वीकार नहीं लेकिन हारना स्वीकार है। इसका अर्थ ये है कि कलयुग की कलह सर्वनाश को निमंत्रण दे रही है। ध्यान रखे, भारत अभिमानी नहीं स्वाभिमानी है। रामकृष्ण महावीर की जननी जन्मभूमि है, चुनौती नहीं देता, चुनौती देने वाले को समझने और संभलने का अवसर देता है। कृष्ण ने कौरवों को और राम ने रावण को कई अवसर दिए, ये उत्तम मार्दव धर्म का प्रभाव है। इससे पहले त्यागी सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार हेगड़े ने बताया कि सुबह की सभा में भगवान आदिनाथ का पंचामृत अभिषेक, दस लक्षण विधान, शांति धारा, सोलह कारण पूजा, पंचमेरु, नवदेवता, रविव्रत आदि की पूजा की गई। धार्मिक कार्यक्रम में सौधर्म इंद्र, विमला पद्मराज्य जैन और विकास जैन, शांति धारा प्रशांत पाटनी बेंगलुरु, पंचामृत अभिषेक विमला पद्मराज्य को करने का लाभ मिला। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।